नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एचआरआई न्यूज पर। मतगणना से पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। जी हां दोस्तों, ईवीएम से वीवीपैट पर्चियों के मिलान की मांग पर याचिका दाखिल हो चुकी है, जिसकी सुनवाई कल यानी 9 मार्च को होगी। सुप्रीम कोर्ट बोला, देखना होगा, मामला गंभीर है। दोस्तों, आरोप लगते रहे कि ईवीएम के सहारे ही बीजेपी सरकार बनाती है और ईवीएम में हेर फेर करती है और चुनाव आयोग के साथ उसकी मिलीभगत है। इसी पूरे मामले के चलते सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है कि वीवीपैट पर्चियों के ईवीएम से मिलान किया जाए, जिसकी सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट राजी हो गया है और याचिका स्वीकार कर ली है। कोर्ट का कहना है कि परसों मतगणना है, इसलिए हमें देखना होगा कि कोई नया आदेश दिया जा सकता है या फिर नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने इस मामले में चुनाव आयोग को जानकारी दे दी है, हालांकि हम उसके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल अभी तक ईवीएम वोटों की मतगणना के बाद वीवीपैट पर्चियों का मिलान किया जाता है। 10 मार्च को नतीजे आने हैं 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के। ये बड़ी खबर दोस्तों इस समय की निकल के आ रही थी। देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हो गई है मतगणना से ठीक पहले। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने सभी दोस्तों में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए।